गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। माई सेल्फ दीपेंद्र कुमार शर्मा फ्रॉम डेफोडिल्स स्कूल। आप सभी ठीक होंगे ऐसी उम्मीद रखता हूँ। एंड किसी स्टूडेंट ने अभी तक जो कोर्स अवेलेबल नहीं करा है, वो अपने नियर मार्केट में जाकर जल्द से जल्द अपना कोर्स परचेज कर ले और अपनी एजुकेशन को जारी करें। आपकी एजुकेशन के लिए जो डेफोडिल्स की तरफ से वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, उनको डेली देखें एंड उनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अपनी नोटबुक में राइट करें। अब बात लास्ट वीडियो में क्लास फिफ्थ की, एक टॉपिक था अवर डिस्ट्रिक्ट चैप्टर नंबर 17 के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। उसके बारे में जाना था, स्टेट के बारे में और डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में। हमारे जो स्टेट है, हमारे इंडिया, सबसे पहले इंडिया की बात करें, इंडिया के अंदर स्टेट्स हैं और स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स हैं और डिस्ट्रिक्ट के अंदर विलेज होते हैं। कई सारे विलेज हैं, कई सारी स्टेट्स हैं, कई डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे इंडिया के अंदर। अवर स्टेट का नेम इज राजस्थान, अवर स्टेट नेम इज राजस्थान। अब राजस्थान के अंदर 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। सबसे पहले आपको आना चाहिए अवर स्टेट का, स्टेट राजस्थान स्टेट के अंदर 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उन डिस्ट्रिक्टों में हमारे डिस्ट्रिक्ट का नेम सवाई माधोपुर है। अवर डिस्ट्रिक्ट नेम इज सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के अंदर भी कई सारे विलेज हैं। विलेजों में विलेज पंचायत या पंचायत समिति, ग्राम पंचायतों की बात करेंगे आगे के टॉपिक में। अब इसमें भी हमारी जो डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान के अंदर, उनको भी कई पार्ट डिवाइड किया गया है। कोई लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, कोई पॉपुलेशन में लोएस्ट डिस्ट्रिक्ट भी होती है। एरिया वाइज भी हमने डिवाइड कर रखा है लोएस्ट और हाईएस्ट। नेबर डिस्ट्रिक्ट ऑफ अवर डिस्ट्रिक्ट, हमारी नेबर डिस्ट्रिक्ट पड़ोसी जो जिले हैं हमारे जिले के, वो कौन से हैं, उनके बारे में आज मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले अवर डिस्ट्रिक्ट का नेम मैंने बता दिया था कि सवाई माधोपुर। अब राजस्थान की एक छोटी सी जानकारी मैं दे दूँ कि हम राजस्थान स्टेट के अंदर रहते हैं। इसका एरिया मैंने बताया था आपको 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर या स्क्वायर किलोमीटर था, जो कि हमारे इंडिया के बेस्ट पार्ट में स्थित है। जो कि स्टेट हमारी राजस्थान इंडिया की बेस्ट पार्ट में सिचुएटेड है। इसमें अर्बन भी है, अर्बन पॉपुलेशन पॉपुलेशन भी है और विलेज में रहने वाले भी हैं। कई सारे लोग शहर में रहते हैं तो कई आपके गांवों में निवास करते हैं। उससे आगे बात करें कि हमारी कैपिटल ऑफ राजस्थान, कैपिटल ऑफ राजस्थान क्या है, जयपुर। आपको सबको पता होगा कि कैपिटल हमारी राजस्थान की क्या है, जयपुर है। उससे आगे बात करेंगे अब हम लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान। राजस्थान की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कौन सी है, जयपुर। सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन में आपके कौन सी है, जयपुर है। और लोएस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, जैसलमेर है। कौन सी, जैसलमेर, वेरी गुड। सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट की बात करें एरिया वाइज, एरिया वाइज में सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है जैसलमेर। यह बड़े इत्तफाक की बात है कि जो जैसलमेर है वो एरिया में तो सबसे बड़ा है लेकिन पॉपुलेशन में सबसे छोटा है। क्यों, क्योंकि जैसलमेर जो हमारे होता है वो स्थित कहाँ पर है, डेजर्ट एरिया के अंदर स्थित है, जहाँ पर समर जो है वो अधिक पड़ती है, जिसके कारण वहाँ पर लोग निवास करना पसंद नहीं करते। और जैसलमेर का एरिया में बात करें तो 1 किलोमीटर के अंदर केवल ओनली ऑन 17 पीपल्स आर लिव, 17 लोग ही रहते हैं 1 किलोमीटर के अंदर। बात करें लोएस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान इन एरिया, एरिया में सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट राजस्थान की कौन सी है, वो हमारे धौलपुर है। कौन सी है, धौलपुर। अब नेबर डिस्ट्रिक्ट, अवर डिस्ट्रिक्ट सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर की नेबर डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, आपके जो पड़ोसी जिले हैं वो कौन कौन से है। सबसे पहला है कोटा, उसके बाद आता है करौली, बूंद करौली के बाद टोंक एंड दौसा। चार आपकी नेबर डिस्ट्रिक्ट है, कोटा, टोंक, करौली एंड दौसा। अब इससे आगे बात करेंगे हम हमारी जो स्टेट है वो, सॉरी, हमारी जो डिस्ट्रिक्ट है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में जो कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, एमएलए,
और जो भी आपके वार्ड मेंबर्स हैं या नगर पालिका जो है नगर परिषद है, वो अपने अपने काम अपने अपने तरीके से सब लोग करते हैं। तो आपके आगे कल टॉपिक आने वाला है विलेज पंचायत या ग्राम पंचायत की बात करें या उसके आगे पंचायत समिति की, तो एक छोटी सी टॉपिक के बारे में नॉलेज दे दूं। जो विलेज पंचायत होती है वो कई गांवों की एक पंचायत होती है, लेकिन जो पंचायत समिति होती है वो कई सारी ग्राम पंचायतों की समिति होती है, जिन पर सारी ग्राम पंचायतों के ऊपर जो होती है वो पंचायत समिति, और कई जो गांवों की पंचायत होती है वो ग्राम पंचायत के अकॉर्डिंग आती है। अब इसके अंदर कौन कौन से वर्क करती है, ये कौन कौन से डिपार्टमेंट इनके अकॉर्डिंग आते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या क्या इनके वर्क होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स, आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा ऐसी उम्मीद करता हूँ, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप टीचर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंकिंग यू, कीप लर्निंग।